नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरी लाइव क्लास में सभी लोग मेरे से इंटरेक्ट करें और बहुत दिनों बाद में एक नए रूप में मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूं। आपको मेरा बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। दोस्तों, एक लंबे समय से इंतजार था आपसे लाइव इंटरेक्ट करने का और आज पहला मौका मुझे मिला है। तो इस क्रम में सबसे पहले जो है, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्लास में दादाभाई नौरोजी के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नौरोजी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसमें हम पूरा आज नौरोजी को देखेंगे कि दादाभाई नौरोजी की क्या क्या भूमिका उसमें रही और दादाभाई नौरोजी ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की, उसको बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास हम करेंगे आज। इसमें सबसे पहले जो है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नौरोजी का जन्म कहां पर हुआ, नौरोजी का जीवन परिचय क्या था, और इन सब के अंदर यह भी प्रयास होगा कि सबसे पहले जो है कुछ टेक्निकल दिक्कत आज पहला दिन है तो आ सकती है, उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। और इसमें सबसे पहले हमने बहुत लंबी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास के लिए दोस्तों, और मैंने करीब करीब आपको यूट्यूब पर 82 घंटे मैंने आपको जो है वो ये पार्ट पूरा बताने का प्रयास किया है, पूरा 82 घंटे बताने का प्रयास किया है। और 82 घंटे में मैंने हर तरीके से आपको चीजों को समझाया कि किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और अब जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको होगा कि आप मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो। निश्चित रूप से एक दो दिन कुछ दिक्कतें आ सकती है, एक दो दिन कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सबसे पहले सबसे पहले जैसे दादाभाई नौरोजी हैं, हमने गांधी जी के बारे में कल टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक थोड़ा सा कम था, उसको मैं जल्दी ही पूरा करने का प्रयास करूंगा। और मैं मेरी टेक्निकल टीम से चाहूंगा प्लीज ये जो पेन है वो काम नहीं कर रहा। एक मिनट, कुछ चीजें दोस्तों, एक मिनट आप लोग रुकना सब। अब सबसे पहले जैसे हम नौरोजी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नौरोजी के बारे में जो पढ़ें, तो जैसे दादाभाई नौरोजी, सबसे पहले आप देखिए कि दादाभाई नौरोजी जो है, आज 5 पेज का मैं आपके सामने दादाभाई नौरोजी के बारे में लेके आ रहा हूं, लेकिन हम दादाभाई नौरोजी को एक बार उदारवादी चरण में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जब हम दादाभाई नौरोजी को पढ़ेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले हमें किसी भी राष्ट्रवादी को जब पढ़ना हो तो हमें उसका जीवन परिचय जो है बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, और फिर हम देखेंगे उसमें एग्जाम में प्रश्न कहां से बन सकते हैं। आप यहां पे देखिए, सबसे पहले दादाभाई नौरोजी का जो नाम था वो रियली दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखना दादा भी हैं
और भाई भी हैं। और नौरोजी ध्यान रखना, ये बेसिकली पारसी समुदाय की एक कास्ट है, अर्थात दादाभाई नौरोजी पारसी समुदाय से थे। उनका जन्म जो है वो 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। हालांकि मुंबई के पास में उनका एक गांव जो अब उसमें मुंबई में आ चुका है, तो आप यहां पे ले सकते हो कि मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे के अंदर हुई। आप लोग जो मेरे से लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताइए कि 1825 में जब नौरोजी का जन्म हुआ, उस समय आधुनिक भारत में 1825 में कौन सी बड़ी घटना हुई थी। आप लोग प्लीज इसका इंटरेक्ट करके मुझे जवाब दें कि 1825 में आधुनिक भारत के इतिहास में कौन सी घटना हुई थी, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, आप लोग बताना मुझे। उसके बाद इनके पिताजी जो है नौरोजी पलानजी, ध्यान रखना यहां पर जैसे नाम लग रहा है नौरोजी पलानजी और यहां लग रहा है दादाभाई नौरोजी, तो ध्यान रखना कई जातियों में क्या होता है कि जब पिताजी की डेथ हो जाती है तो जो लास्ट है नाम का वो सबसे पहले लगने जाता है, इसलिए यहां पर है नौरोजी पलानजी। जब वे 4 साल के थे तो उनके पिताजी का निधन हो गया। उनकी माता का नाम मनिक बाई था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। बहुत अच्छा इनके बारे में लिखा हो दोस्तों कि मनिक बाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने दादाभाई नौरोजी के लिए पिता और मां दोनों के रूप में भूमिका अदा की। यही कारण है कि न केवल उन्होंने इनका पालन पोषण किया बल्कि निर्धनता के बावजूद दादाभाई नौरोजी दादाभाई को उच्च शिक्षा भी इन्होंने प्रदान की थी। उसके बाद ध्यान कि दादाभाई की शादी जो है महज 11 साल की एज में ही हो गई और गुलबाई से इनकी शादी हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना उस समय 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल में शादी होती थी, ये एक प्रकार का आज की तारीख में बाल विवाह है। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंदर भी ये एक प्रकार की बाल विवाह की कुरीति उस समय मानी जाती थी, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि उस समय लगभग शादी जो है वो इसी एज में हो जाती थी। तो उसके बाद हम देखें, अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दादाभाई नौरोजी का। तो यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि सबसे पहले जब नौरोजी को हम पढ़ें तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अगर हम देखें तो दादाभाई नौरोजी का आधुनिक भारत के इतिहास में किस किस रूप में उनको जाना जाता है दादाभाई नौरोजी को, तो ये सबसे पहले हम देखें दादाभाई नौरोजी को हम किस किस रूप में देखें, तो यहां पर ये चीजें भी इंपॉर्टेंट यहां पर होगी। दादाभाई नौरोजी का जीवन परिचय, यहां पर कुछ लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मैं जल्दी ही जवाब दूंगा आपको, निश्चित रूप से उनका जल्दी जवाब मेरे पास में होगा। तो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी को आधुनिक भारत के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना दादाभाई नौरोजी को आधुनिक भारत के इतिहास में भारत की वयोवृद्ध नेता, सर कोई और सब्जेक्ट यूट्यूब पर शुरू करें प्लीज सर, यस आधुनिक भारत का इतिहास लगभग आपका पूरा होने जा रहा है, कुछ टॉपिक्स और है फिर हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे उसके बाद निश्चित रूप से हम इस पर भी आएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप ये कमेंट करके मुझे ये अप्रिशिएशन करने का प्रयास करें कि मैंने लगभग यूट्यूब पर आपकी जो 80 घंटे क्लास जो आपके लिए है, 80 घंटे क्लास जो मैंने आपके लिए है मॉडर्न हिस्ट्री की और लगभग 70 घंटे क्लास मैंने यूट्यूब पर आपके भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो क्लास ली है। दोस्तों ध्यान रखना मैंने अपनी तरफ से इतना बेहतर करने का प्रयास किया है कि आपको निश्चित रूप से मजा आया होगा, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से लगातार जुड़े हुए थे, उनसे भी मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा, जिसमें बहुत सारे लोग जो कई दिनों से लगभग 2 महीने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमलेश, मयंक वर्मा, रामजी पांडे, नीरव जी, रामिल जी पांडे, मयंक वर्मा, आकाश ने तो लगातार मेरी क्लासेस लिए, मैं नोट कर रहा हूं, और कुछ स्टूडेंट्स आज जो है चूंकि वो 10 बजे की क्लास के भरोसे हैं और अब ये क्लास 9 बजे से होगी, तो आप लोग जरूर उनको सबको बताना कि ये क्लास जो है अब 9 बजे से होगी और मेरी क्लास जो है आज से ही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम शुरू हो रहा है, आपको पता होगा भारतीय राजव्यवस्था अनअकैडमी प्लस पर, जिसमें आप मेरा
दौलत 10 के नाम से प्रोमो यूज करके 10% उसमें ऑफ भी ले सकते हो। वो शानदार तरीके से उसमें पूरा पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा और यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास में भी कोशिश की जाएगी कि वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिले। यस बबलू आप भी हैं, रामजी पांडे, सोनाली डोंगरे, शिव शंकर गुप्ता, रमाकांत मोरे। रमाकांत मोरे कह रहे सर इकोनॉमिक क्लास नहीं चल रही है क्या? सर इकोनॉमिक मेरे पास में नहीं है, इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर यूट्यूब पर है, आप उनको देख सकते हो। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं दादाभाई नौरोजी जी को। सबसे पहले जो है दादाभाई नौरोजी जी से आपके आधुनिक भारत के इतिहास में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले आप देखिए भारत के वयोवृद्ध नेता द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जैसे हमारे राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी माने जाते हैं, लेकिन भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में किस व्यक्ति की पहचान है? तो उत्तर होगा दादाभाई नौरोजी का। दादाभाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भारत की आशा भी इनको कहा है, द होप ऑफ इंडिया भी कई इतिहासकारों ने इनको कहा है, क्योंकि यहां से वो व्यक्ति था जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को रखने में अपनी भूमिका अदा की थी। इसी प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि इनको भारतीय अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे लिखा और उस ऐसे का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक नौरोजी का जो ऐसे आया था, उस ऐसे के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले ये प्रेजेंट किया था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय को निकालने वाला जो जो हस्ती थी वो दादाभाई नौरोजी थे। इसलिए भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहते हैं इसको मैं भी समझाऊंगा आपको। स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे 1906 के अंदर, ये भी मैं बताऊंगा। उदारवादी राष्ट्रवादी, यहां पर उदारवादी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और तीन बार कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी रहे, ये बिंदु है। तो सबसे पहले वेरी गुड मयंक वर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया और आय, यस वेरी गुड, 20 रुपए इन्होंने आय बताई थी कमलेश, वेरी गुड। तो आप लोग ध्यान रखना कि अब मैं एक एक पॉइंट को यहां पे क्लियर करूं कि सबसे पहले आपको यहां एक शब्द मिलेगा उदारवादी राष्ट्रवादी। हमने पूरी क्लास के अंदर एक बहुत अच्छे से समझा था कि उदारवादी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर फोकस कीजिए, ये जो बिंदु है उदारवादी राष्ट्रवादी, इसका मतलब क्या है? उदारवादी राष्ट्रवादी का मतलब होगा दोस्तों कि दादाभाई नौरोजी को ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, इनके साधन जो है वो भी उदार थे, उदार मतलब लिबरल थे, जैसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र आदि के माध्यम से अपनी मांगे रखते थे। तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, ये जितने भी उनके साधन हैं वो बहुत लिबरल हैं। जैसे सबसे पहले वो ब्रिटिश अधिकारियों को एप्लीकेशन देकर आते थे, उसके बाद में अगर उस पर रिमाइंडर नहीं होता था तो रिमाइंडर के माध्यम से उनको याद दिलाते थे। फिर एक डेलीगेशन भी जाता था जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधिमंडल, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधिमंडल, तो प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से भी वो अपना कार्य करते थे। तो यहां पर स्पेशली ये चीज ध्यान रखें कि क्योंकि उनका जो साधन था वो लिबरल था और साथ ही साथ उनकी जो डिमांड्स थी वो डिमांड भी लिबरल होने के कारण इन्हें उदारवादी कहा जाता है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि इनकी मांगे क्या थी। ध्यान रखना जिस समय इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की है उस समय इन्होंने कहीं पर भी आजादी की मांग नहीं की है, बल्कि इनकी डिमांड्स क्या है, इनकी डिमांड्स है कि सिविल सेवा में भारतीयों को व्यापक अवसर प्रदान किया जाए, किसमें, सिविल सेवा में, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। तो यहां पर पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात इन्होंने की है, सिविल सेवा, लोक कल्याण, ये सब चीजें इसमें होगी। साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखना कि यहां पे जैसे सिविल सेवा, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना, साथ ही साथ इन्होंने कहा कि किसानों को महाजनों के ब्याज से मुक्त किया जाए,
साथ ही साथ कहा कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी इसका आयोजन किया जाए, सिविल सेवाओं को भारतीयों के अनुरूप बनाया जाए, उच्च सेवाओं के अंदर भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये तमाम पॉइंट्स जो है वो आएंगे। तो ध्यान रखना यहां पर जो शब्द आया है कि इनको उदारवादी क्यों कहते हैं, तो उसका पहला पॉइंट होगा इनकी इनके साधन और इनकी मांगे दोनों उदार होने के कारण इन्हें उदारवादी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। एक तो पॉइंट ये होगा। दूसरा दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखना कि इन्हें ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास था, मतलब इन्हें विश्वास था कि अंग्रेज भारत में व्यापक स्तर पे सुधार कर सकते हैं, इसलिए भी इन्हें उदारवादी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि उदारवादी राष्ट्रवादियों में और किसका नाम आता है, तो उदारवादी राष्ट्रवादियों में ध्यान रखना जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपसे पूछे कि उदारवादी राष्ट्रवादी और कौन है, तो उदारवादी राष्ट्रवादियों में नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले, ये नाम भी इसी में आता है। एक आपको पता होगा बद्रुद्दीन तैयब, बद्रुद्दीन तैयब जो है ये नाम भी आता है उदारवादियों में। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना जैसे जैसे दिनसा वाचा, ये सब लोग जो है बेसिकली उदारवादी माने जाते हैं। तो यहां पर आप इस चीज का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि इनको उदारवादी क्यों कहते हैं। तो उदारवादी के बारे में मैंने आपको बताया। अब सबसे पहले वापस उदारवादी राष्ट्रवादी मैंने बता दिया है। यहां पर एक बिंदु का ध्यान रखना कि जो दादाभाई नौरोजी जी हैं उनका चूंकि अधिकांश समय लंदन में बीता और लंदन में काफी समय तक रहे, इसलिए उन्हें ब्रिटिश लोकतांत्रिक जो मूल्य थे उनमें काफी अधिक विश्वास था और उन्होंने देखा भी कि किस प्रकार अंग्रेज अपने देश में व्यापक सुधार करते हैं, ऐसी उनको आशा थी कि ये भारत में भी ऐसा करेंगे। उसके बाद एक आता है कि कांग्रेस के संस्थापकों में से एक, ध्यान रखना आप लोगों को पता है कि 1885 में 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। आपको पता होगा कि यहां पर कांग्रेस की स्थापना जो है वो बेसिकली ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, लेकिन जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो यहां पर दो बिंदु लगे, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा अनामिका दत्त कह रही है सर आपकी टीचिंग स्टाइल बेस्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। यहां पर एक पॉइंट याद रखना, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे प्री में कि वह कौन से प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था, जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव जो है वो बेसिकली दादाभाई नौरोजी का ही ये था। और तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिसमें आपको पता होगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बेसिकली हुआ था बॉम्बे में, और जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ उस कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो है आपको पता है दादाभाई नौरोजी थे। और कांग्रेस में हमेशा ये प्रयास किया जाता था कि अगर मान लीजिए सम्मेलन हो रहा है बॉम्बे के अंदर तो अध्यक्ष होता था बंगाल की साइड से, और आप देखिए अगर अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है तब उसमें व्यक्ति होता था बॉम्बे की साइड से, अगर मद्रास में हो रहा है तो मुस्लिम समुदाय को, तो ऐसे प्रयास वहां पर बहुत बेहतर तरीके से किए गए। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या क्या पॉइंट देखोगे, भारत के वयोवर्ध नेता, भारत की आशा द होप ऑफ इंडिया, द होप ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंग्रेजों के सामने भारतीयों की समस्याओं की बात को रख सकता है, इसलिए वो पहली हिम्मत अगर किसी ने की व्यापक स्तर पर तो दादाभाई नौरोजी थे। ये बात इसलिए भी ध्यान रखना कि दादाभाई नौरोजी वह व्यक्तित्व है जिन्होंने लंदन में जाकर, ध्यान रखना दादाभाई नौरोजी का एक लंबा समय कहां बीता है, लंदन के, इसलिए लंदन में जाकर उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन एसोसिएशन के माध्यम से अब भारतीय की समस्याओं को वहां पर रखा था, इसलिए भी यहां पर यह कहा जाता है कि दादाभाई नौरोजी भारत की पहली आशा थे। उसके बाद आप देखो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक, ये बिंदु मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने पहले बताया है कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्रकार से काम किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये पूरा बताया। और अब जो है नेक्स्ट पेज पे हम चलें, तो नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे उसमें
सबसे पहले जो है, सबसे पहले आप देखिए कुछ बिंदु ये भी ध्यान रखें, कौन कौन से, इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में ही गणित और प्राकृतिक दर्शन के अध्यापक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था। यहां पर ये थोड़ी आरंभ की मिस्टेक हो गई है, इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन, ध्यान रखना एल्फिंस्टन कॉलेज से ही उनकी पढ़ाई हुई थी और एल्फिंस्टन कॉलेज में ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 1855 में उन्होंने यहां से नौकरी छोड़ दी और एक पारसी व्यापार संस्था के साथ वो लंदन चले गए और फिर लंदन से वापस आए और बड़ौदा रियासत के दीवान बने। लेकिन दोस्तों उनको यहां पर भी ज्यादा मजा नहीं आया। देखना आप लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पदों में होते हैं लेकिन संतुष्टि उनको प्राप्त नहीं होती है। सेम चीज जो है वो दादाभाई नौरोजी के साथ भी हुई। आप देखिए कि इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बिल्कुल निचले लेवल से की है, अर्थात वो जो है बंबई नगर निगम में निर्वाचित हुए थे, मतलब एज ए पार्षद निर्वाचित वहां पर हुए हैं और कहां तक वो पहुंचे वो आप देख सकते हो। इसके बाद 1892 में वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी लिबरल पार्टी की ओर से फिनिसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है कि पहला भारतीय कौन था जो बेसिकली ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना तो वो होंगे आपके उदारवादी राष्ट्रवादी भारत के वयोवृद्ध नेता दादाभाई नौरोजी, क्योंकि नौरोजी का अधिकांश समय जो है वो लंदन में बीता और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी पेट बनाई। और ध्यान रखना आज की तारीख में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका ब्रिटिश संसद में पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस जमाने में जब भारत एक उपनिवेश था तब एक बिल्कुल गरीब परिवार से निकलकर किस प्रकार से उन्होंने यहां पर अपना किस प्रकार से वो ब्रिटिश संसद में पहुंचे ये बहुत बड़ी बात थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1886 ये दूसरा अधिवेशन था, 1893 में कौन सा था ये आप खुद बताएंगे, और 1906 यहां पर दोस्तों ध्यान रखना 1906 मैंने आपको बताया था, आप मेरा वीडियो देखना, उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टोटल मैंने आपको 3 चरण बताए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 फेज मैंने बताए थे, जिसमें पहला फेज जो है 1885 से 1905 और ये फेज बेसिकली किसका है, तो ये फेज था उदारवादियों का। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1905 से 1919 तक का जो फेज है वो बेसिकली हो गया है उग्रवादी राष्ट्रवादियों का, जिसमें हम कहते हैं लाल बाल पाल। और ध्यान रखना यहां पर 1906 मतलब बंगाल विभाजन के बाद की घटना है और उस समय जब लाल बाल पाल में से कोई एक कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता था, विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक को रोकने के लिए दोस्तों ध्यान रखना जानबूझकर उदारवादियों ने दादाभाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था और चूंकि वो वयोवृद्ध नेता थे इसलिए लाल बाल पाल ने उनका विरोध नहीं किया। अब एक क्वेश्चन ये आता है आपसे, बहुत बार पूछते हैं, क्या क्वेश्चन, कि वो पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था जिसने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन से स्वराज की घोषणा की कि अब कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो स्वराज होगा, ये किसने सबसे पहले कहा था, तो उत्तर होगा ध्यान रखना ये पहली बार सबसे पहले कहा है दादाभाई नौरोजी ने। लेकिन आप लोगों को मेरा उदारवादी चरण आपने पढ़ा हो और उग्रवादी चरण पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि नौरोजी ने कहा जरूर लेकिन ये कहा नहीं बल्कि कहलाया गया था। क्या मतलब होगा कि उस समय उग्रवादी राष्ट्रवादियों का इतना प्रभाव था कि अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो तेज गति से, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो तेज गति से वो इस ओर उग्रवादी राष्ट्रवाद की ओर तेज गति से आ रहे थे, इसलिए यहां पर नौरोजी ने अध्यक्षता जरूर की लेकिन उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह से उग्रवादी राष्ट्रवादी छा गए थे, जिसके कारण यहां पर उदारवादी होते हुए भी नौरोजी को स्वराज की घोषणा करनी पड़ी। अब दोस्तों यहां पर स्वराज संबंधी आप लोग ध्यान रखना कि जैसे ही ये शब्द आए आपके पास में स्वराज, यहां पर आपसे पूछे कि पूरे आधुनिक भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो ध्यान रखना आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएं
कि किसने सबसे पहले ये बात कही थी कि स्वराज का शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है, तो यहां पर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, SDS, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले सामाजिक ऐसे नेता थे जिन्होंने इसकी घोषणा की। फिर आपको पता है 1896 के आसपास जो है बाल गंगाधर तिलक हावी होने लग जाते हैं और उनका था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद कांग्रेस में स्वराज की घोषणा किसने की, तो होगा 1906 के अंदर, फिर आपका उत्तर यहां होगा 1906 और उत्तर आपका होगा दादाभाई नौरोजी। लेकिन ध्यान रखना ये प्रोग्राम किसका था, कौन सा प्रोग्राम, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, ये प्रोग्राम बेसिकली था आपका दादाभाई नौरोजी का। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा दादाभाई नौरोजी के अंदर ही। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। इसी प्रकार से तिलक ने कहा था, यस वेरी गुड। सोनम चौधरी, सोनम चौधरी तुमको कुछ बोला है क्या सत्यम जी, तुम चुप हो प्लीज, आप लोग आपस में इस प्रकार का न करें, आपका आप मेरे साथ लाइव चैटिंग कर रहे हैं और यूपीएससी तैयारी करने जा रहे हैं, बड़ा मनोबल ऊंचा रखें। उसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, मैंने तीन पॉइंट बताए लेकिन आप में से कौन बताएगा सबसे पहले कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी, तुरंत कमेंट बताइए प्लीज, कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई थी। मयंक वर्मा यस बताइए, आप लोग बताइए कि सबसे पहले किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है। यहां पर मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि सबसे पहले आप में से कौन बताता है। यस दोस्तों सबसे वेरी गुड, 1929 COVID-19 कोरोना वायरस 1929 लाहौर अधिवेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे से जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है उन्होंने बहुत तेज गति से जवाब दिया है। लेकिन इसके बाद वाला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग ध्यान रखना। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अभी तो जवाब दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नहीं नागपुर अधिवेशन गलत है, लाहौर अधिवेशन 1929। गौतम कुमार स्वागत आपका भी, गौतम लेट जुड़े हो आप लोग, गौतम ने पूरी क्लासेस की मुझे पूरा पक्का विश्वास है। यहां पर मुझे बताइए आप कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है और मैं एकदम पूछूंगा आराम से। सबसे पहले मैंने कहा कि स्वराज का सबसे पहले प्रयोग किया है किसने, SDS, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर आऊंगा, ये कहा तिलक ने। 1906 में स्वराज की घोषणा कांग्रेस का उद्देश्य होगा दादाभाई नौरोजी। फिर उसके बाद में आता है पूर्ण स्वराज घोषणा 1929 लाहौर अधिवेशन, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू जी थे, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड, नेहरू जी उस समय अध्यक्ष थे। मैं इंतजार करूंगा अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, देखता हूं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मैं सबसे पहले इसको यहां पर बताना चाहूंगा, आप में से कितने लोग बताना चाहेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर आपने मेरी क्लासें कर रखी है वही जवाब दे पाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया था। कितने लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया था। अगर इसका जवाब जो देंगे तो वाकई उनसे बहुत खुश होऊंगा और मैं उनको आज का दादाभाई मानूंगा। देखते हैं कितने लोग इसमें से एक जवाब देते हैं। और प्लीज आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए अनएकेडमी आपके लिए शानदार से शानदार प्रोग्राम लेके आ रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि अनएकेडमी प्लस जो है वो इंडिया के टॉप मोस्ट जो एजुकेटर्स है उनको आपके सामने जोड़ रही है, इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरे कहने से आप इसको शेयर और इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बताइए क्वेश्चन मेरा है कि कौन सा अधिवेशन था जिसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया था।
वेरी गुड कोविड-19 कोरोना वायरस कराची, वेरी नाइस। यहाँ पर कराची अधिवेशन ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें सबसे पहली बार इसको परिभाषित किया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वेरी गुड कोविड-19, वेरी गुड कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत बढ़िया। दोस्तों बता दूं कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है वो मेरी क्लास तब से कर रहे हैं जब ये कोविड-19 आया ही नहीं था, ये जो है बहुत लगातार क्लास में लगे हुए हैं और पूरा इनका काफी डेवलपमेंट इन्होंने देखा है। मैंने देखा कि लगातार इन्होंने क्लास लिए तो बहुत अच्छा जवाब दिया है कि अभिषेक कुमार, यस वेरी गुड कराची अधिवेशन सरदार पटेल, मयंक वर्मा वेरी गुड, सरदार पटेल का जवाब बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप देखिए मयंक ने भी बहुत शानदार जवाब दिया है कि यहाँ पर मयंक पटेल, गौतम कुमार यस वेरी गुड 1931 में कराची के अंदर, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि 1931 का कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन में किस पैक्ट को मंजूरी दी गई थी, कौन बताएगा आप में से, 1931 के कराची अधिवेशन में किस पैक्ट को मंजूरी दी गई थी, यस बताइए। 1931 का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 1931 का कराची अधिवेशन था, उस कराची अधिवेशन में किस पैक्ट को मंजूरी दी गई थी, आप में से कौन सबसे पहले बताता है, यस आइए, वेरी गुड प्रयास कीजिए, सबसे पहले कौन बताता है आप में से कि 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में कांग्रेस ने किस पैक्ट को मंजूरी प्रदान की थी, मौलिक अधिकार, वेरी गुड मौलिक अधिकार लेकिन बेटे पैक्ट नहीं, यस वेरी गुड आर्यन वेरी नाइस, इरविन पैक्ट, बहुत शानदार गांधी रामजी पांडे, वेरी गुड गांधी इरविन पैक्ट, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छा, अब हमें बड़ी सुविधा होगी क्योंकि हमने बहुत अच्छा सा पहले पढ़ रखा है, तो अब जब एक एक चीज को लेंगे तो उसको इंटरलिंक बहुत अच्छा करेंगे और आपको सहज जानकर ये बड़ी खुशी हो कि मैं अब एक एक टॉपिक का आपके सामने, जैसे यूरोपियंस का आगमन, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी जी, इन सब के मैं क्वेश्चन बैंक आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसमें आपका बकायदा एमसीक्यू होगा ताकि यूपीएससी प्री एग्जाम ही नहीं, आप इंडिया के किसी भी एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकें, वेरी गुड। तो ये आप लोग ध्यान रखना, वापस रिपीट करता हूं कि इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो बेसिकली एल्फिंस्टन कॉलेज से हुई, अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ किया, बाद में अध्यापक की नौकरी छोड़ के पारसी व्यापार संस्था के साथ लंदन चले गए, बड़ौदा रियासत के दीवान बने, बंबई नगर निगम में निर्वाचित हुए, 1892 में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की तरफ से फिनिश भी एक जगह नाम है जहां से ब्रिटिश संसद चुने गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1886, 1893 और 1906। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा अब सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान, सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान। देखिए 1852 में एक संस्था बनी थी बॉम्बे एसोसिएशन, दोस्तों यहां पर जो बॉम्बे लिखा हुआ है इसको आप बॉम्बे एसोसिएशन समझा, इसको आप समझना बॉम्बे एसोसिएशन, जो बॉम्बे एसोसिएशन जो बॉम्बे की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है उसकी स्थापना में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। गोखले ने कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देव है तो वो दादा भाई है, मनुष्य में यदि कहीं देव है तो वो यहाँ पर ही दादा भाई है। अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन में इन्होंने लंदन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी वहां पर की है। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन स्वराज की घोषणा की, ये रिपीट हो गया बिंदु। और उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखना दोस्तों ये इस पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये एक पुस्तक भी थी दादाभाई नौरोजी जी की। और यहां पर ये पुस्तक जो है ये बेसिकली एक ऐसे के रूप में आया था, क्या ये जो मैं बता रहा हूं आपको पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो है ये एक ऐसे के रूप में बुक थी और इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं भारत में, इसमें इन्होंने कहा था भारत में निर्धनता एवं गैर ब्रिटिश शासन, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, भारत में निर्धनता एवं गैर ब्रिटिश शासन। दोस्तों आपको पता होगा मैंने जब उदारवादी फेस समझाया था तब आपको ये पूरा पॉइंट समझाया था, तो यहां पर निर्धनता
के लिए उन्होंने किस सिद्धांत को इस पुस्तक के माध्यम से प्रेजेंट किया था? कौन बताएगा? मैं ये देख रहा हूं, कमलेश, प्रिय गौतम, रेशमा, सत्यम त्रिपाठी, आप लोग मुझे बताइए कि दादाभाई नौरू जी ने निर्धनता को समझाने के लिए किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? कौन आप में से सबसे पहले ये पॉइंट बताता है कि नौरू जी ने निर्धनता को समझाने के लिए किस सिद्धांत को सबसे पहले प्रेजेंट किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो शब्द यहां पर आ रहा है, मेरा क्वेश्चन आपके सामने है कि यहां पे ये जो पॉवर्टी है, उन्होंने भारत में निर्धनता को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो आधुनिक भारत के इतिहास में इस सिद्धांत की बहुत अधिक चर्चा होती है? देखता हूं कौन आप में से जवाब देता है। प्रति व्यक्ति आए तो यस, पर उनकी फेमस पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ध्यान रखना ये एक ऐसे था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी, और उन्होंने गरीबी को समझाने के लिए किस सिद्धांत को प्रेजेंट किया था? कौन जवाब देता है आप में से? वेरी नाइस कमलेश, वेरी नाइस रेशमा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। यहां पर पॉवर्टी को समझाने के लिए उन्होंने जिस थ्योरी को प्रेजेंट किया उसी को हम कहते हैं ड्रेन वेल्थ थ्योरी, इसी को हम कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है वो उन्होंने यहां पर प्रेजेंट किया था। और ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो मैंने आपको समझाई थी कि पहली बार नौरू जी ऐसे व्यक्ति थे जो ये समझाते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल का राजस्व लिया, उसी राजस्व से कच्चा माल खरीदा, उसी कच्चे माल से भारत से बाहर ले गए और उसको ब्रिटिश उद्योग धंधों में औद्योगिक माल तैयार करके वापस भारत में लेके आए। इससे भारत में लगातार गरीबी बढ़ती है। साथ ही साथ अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अपना घर नहीं माना, उनको जितनी भी तनख्वाह मिलती थी वो तनख्वाह यहाँ से बाहर जाती थी, ये भी एक प्रकार का धन निष्कासन था। हथियार वो लंदन से खरीदते थे और हथियार आते थे भारत में, तो ये भी धन का निष्कासन हो रहा है। भारत सचिव लंदन में है लेकिन उसकी तनख्वाह भारत से जाती थी। इस प्रकार भारतीय धन का 1757 से लेकर और लगातार 1947 तक भारतीय धन निष्कासित होगा। और आपको पता है कि जब किसी देश का धन अगर एक साल के लिए बाहर चला जाए तो उसको कितना नुकसान होता है, तो आप सोच सकते हो कि भारत के साथ लगभग 200 साल तक ऐसा हुआ। एक बात मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी भारत में किस देश के साथ की चर्चा चल रही है कि उस देश के साथ संबंध रखने पर भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है? आज की तारीख में, आज के दिन मुझे कमेंट करके बताइए, आज की तारीख में किस देश के साथ लगातार चर्चा चल रही है कि यदि उसके साथ हमने उसका बहिष्कार नहीं किया तो हमारा धन लगातार हमारे देश से बाहर जा रहा है? प्लीज रेशमा, आशिकान बताइए, सत्यम, गौतम, आर्यन बताइए कि अभी किस देश के साथ चर्चा चल रही है। यस वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड रामजी पांडे, वेरी गुड चीन के साथ कोरोना कोविड, यस वेरी गुड चाइना के साथ, शानदार, वेरी गुड। तो आप लोग ध्यान रखना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो दादाभाई नौरू जी ने, जिसके माध्यम से भारतीय धन किस प्रकार भारत से बाहर जा रहा है, ये बेहतर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार सबसे पहले ये बात बताने वाले दादाभाई नौरू जी थे और उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी प्रेजेंट की थी। ड्रेन वेल्थ थ्योरी प्रेजेंट करके उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि किस प्रकार भारत का धन जो है वो बेसिकली भारत से बाहर जा रहा है। तो एक शब्द मैंने बताया, कौन सा? पॉवर्टी का। और यहां पर इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद सेकंड जो है वो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गैर ब्रिटिश शासन। भारत में गैर ब्रिटिश शासन का क्या मतलब होगा? भारत में गैर ब्रिटिश शासन का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दादाभाई नौरू जी का अपना अधिकांश समय जो है वो ब्रिटेन के अंदर बीता था और ब्रिटेन में रहते उन्होंने देखा कि यार किस प्रकार ब्रिटेन के अंदर जो है वो वहां पर जो शासन है, ब्रिटेन में जो शासन है वो शासन बेसिकली समानता पर आधारित है, समानता पर आधारित है। ब्रिटेन में शासन स्वतंत्रता पर आधारित है, ब्रिटेन में शासन न्याय पर आधारित है। मतलब उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश रूल था वो इक्विलिटी पर, फ्रीडम पर, जस्टिस पर आधारित था,
वहीं दूसरी ओर भारत में भी ब्रिटिश शासन था, लेकिन भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो बेसिकली असमानता पर आधारित था। असमानता क्यों? कि अंग्रेज काले गोरे का भेद करते थे। इसी प्रकार से आप देखोगे काले गोरे का भेद वो करते थे, और काले गोरे का भेद अंग्रेज करते थे। और साथ ही साथ हम स्वतंत्र नहीं थे, हम तो दास थे। हमारे साथ दासता जैसा होता था, अर्थात भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। और भारत में न्याय नहीं था, अन्याय था। तो आप दोनों के साथ कंपेरिजन कीजिए। ध्यान रखना, नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धन निष्कर्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो बहुत बेहतरीन सिद्धांत था। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए कि उन्होंने अन ब्रिटिश रूल जो है, यहां पर ध्यान रखना, अन ब्रिटिश रूल का मतलब क्या हुआ कि नौरोजी ने भारतीय शासन की तुलना ब्रिटेन से की और कहा कि जहां एक और ब्रिटिश शासन जो है वो बेसिकली भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारत ब्रिटेन में शासन समानता स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित था, जबकि भारत में ब्रिटिश शासन असमानता अन्याय और शोषण पर आधारित था। इसलिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को अन ब्रिटिश रूल कहा है। और इस बात को बताने के लिए वो कहां गए? लंदन गए। और मैंने आपको चर्चा की थी पहले भी कि ध्यान रखना कि ये बेसिकली उनका लंदन जाना कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी कम समझ की ओर संकेत करता है। यहां पर उन्होंने बेहतरीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैं यहां पर उनको 10 में से 10 नंबर देता हूं। लेकिन यहां पर जब वो इसी बात को लेकर लंदन गए तो यहां पर उन्होंने गलती की है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नौरोजी को अपना ये मुद्दा कहां पर लेकर जाना चाहिए था कि भारत में अन्याय है, अत्याचार है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। ये उन्हें कहां लेकर जाना चाहिए था आपके हिसाब से? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूछना ही चाह रहा हूं कि नौरोजी अपनी बात को बताने के लिए लंदन गए, ये उनकी औपनिवेशिक शासन के प्रति एक कम समझ की ओर संकेत करता है। कम समझ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि भारत यदि उपनिवेश था तो ब्रिटेन गृह राज्य था, और गृह राज्य के हित में हमेशा उपनिवेश का शोषण किया जाता है। इसलिए अगर भारत में जो कुछ हो रहा था वो ब्रिटेन के इशारे पर हो रहा था, जब उनके इशारे पर हो रहा था तो उनके ही अन्याय को उनको कहां बताने की आवश्यकता है? इसको उन्हें कहां जाकर बताना चाहिए था? संसद में नहीं, जनता के बीच, गांव में। अभिषेक बहुत बेहतरीन, वेरी गुड अभिषेक कुमार, गांव में। यस, वेरी गुड। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वो पहला कौन सा व्यक्तित्व था जिसने ये बताया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, अतः गांव को जगाकर न केवल सामाजिक आंदोलन को मजबूत किया जा सकता है बल्कि अंग्रेजों को आर्थिक चोट भी पहुंचाई जा सकती है, ऐसा बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये बात बताई कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। कमेंट कीजिए प्लीज। गांधी जी, रामजी पांडे, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। शिवशंकर, वेरी गुड शिवशंकर, वेरी गुड वेरी गुड शिवशंकर। आर्यन, वेरी गुड। दीपशिका, यस वेरी गुड दीपशिका। गांधी जी, गौतम कुमार गांधी जी, अभिषेक कुमार वेरी गुड गांधी जी, रोशनी दुबे गांधी जी, आशिकांत वेरी गुड गांधी जी, अभिमन्यु सिंह वेरी गुड महात्मा गांधी, कमलेश कुमार गांधी जी, मयंक वर्मा गांधी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बहुत तेज गति से जवाब दे रहे हैं। मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि आप देखना कि एक दो दिन बाद में आपके पास कैसे प्रश्न आते हैं, और उस समय जो लोग जवाब देंगे वाकई मान के चलूंगा कि उनकी यूपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब उसके बाद में एक शब्द मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा कि मैंने वहां कहा था कि एक शब्द आपको और आना चाहिए, वो शब्द कौन था? वो शब्द कौन सा है जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताना चाहूंगा? वो शब्द है आर्थिक राष्ट्रवाद। यहां पर दोस्तों मुझे आप बताइए कि यहां पर ये शब्द है आर्थिक राष्ट्रवाद, आप देख रहे हो, सबसे पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर एक शब्द आ रहा है, और वो शब्द आपका है
ये सब आ रहा, आर्थिक राष्ट्रवाद। आप इसे कौन बताना चाहेगा कि दादा विनोद जी ने आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा कैसे किया? ये यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा विनोद जी का योगदान क्या था। तो योगदान में तो आप बताओगे कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार किया, उन्होंने भारतीय समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाया, वो पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने ब्रिटिश के सामने ये रखने का प्रयास किया, कांग्रेस की स्थापना में उनका योगदान था, वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, स्वराज के रूप में उनके योगदान था, और उन्होंने ही सबसे पहले पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के माध्यम से धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना क्या क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि नौरोजी ने किस प्रकार यहां पर एक बार में पूरा लिंक। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मेरा सुनना आप लोग, यहां पर क्वेश्चन है कि नौरोजी ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा किया। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस समय मुझे पता है ये क्वेश्चन 2009 के आसपास पूछा गया था यूपीएससी में और बहुत कम लड़के इसके जवाब देके आए थे। कोई आपसे पूछे कि नौरोजी ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा किया था, कौन बताएगा आप में से? यहां पर आर्थिक राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? आर्थिक राष्ट्रवाद प्लीज आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौरोजी ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा किया था। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होगा? आर्थिक राष्ट्रवाद, गांव के लोग जब टैक्स नहीं देंगे तो अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, ये सोचना था नौरोजी ने? नहीं 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 नहीं, कोरोना 19, दिस इज नॉट राइट आंसर बेटे। आपने बाकी सब आंसर बहुत अच्छे दिए, इसका उत्तर नहीं है। आपने ड्रेन वेल्थ थ्योरी के माध्यम से प्रति व्यक्ति 20 रुपए, नहीं 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 गौतम, दिस इज नॉट राइट गौतम का, आपका जवाब ये वाला सही नहीं है, क्योंकि इसमें ये बेसिकली आर्थिक राष्ट्रवाद किस प्रकार से पैदा किया, ये जो बच्चा बताएगा मैं मान के चलूंगा कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर है। मतलब कॉन्सेप्ट तो भयंकर है ही है, साथ ही साथ मैं मान के चलूंगा कि उसने मेरी हर क्लास की है। अगर जो मुझे ये बता दे कि दादा भाई नौरोजी ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद पैदा किया, कौन आप में से बताएगा? इकोनॉमिक नेशनलिज्म किस प्रकार से उन्होंने पैदा किया, ये आप में से कौन बताएगा? आई वैसे नहीं नहीं नहीं, यस कुछ तो जवाब दीजिए। अभी तक आप लोगों ने सभी प्रश्नों का बहुत शानदार उत्तर दिया है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि नौरोजी ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद को उत्पन्न किया था, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 3 बार पूछा गया है कि नौरोजी के कार्यों ने किस प्रकार इकोनॉमिक नेशनलिज्म को पैदा किया है, आर्थिक राष्ट्रवाद को किस प्रकार से पैदा किया है, ये आपके सामने प्रश्न है। आर्थिक राष्ट्रवाद, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखें आर्थिक राष्ट्रवाद कैसे पैदा किया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है मजबूत करने के लिए, लोगों को समझाना और इकोनॉमी को डेवलप किया, इंडिया के इको को बताना बढ़ाना चाहता था। नहीं 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 कमलेश गांधी गरीबी को देखते हुए, नहीं नहीं नहीं। अब इसका जवाब आप मेरे से सुनिए, ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर ये होगा, ध्यान से सुना आप लोग मेरे पॉइंट को, ध्यान सुनना कि आर्थिक राष्ट्रवाद कैसे उन्होंने पैदा किया। देखिए जिस समय नौरोजी ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है उस समय भारत यूनाइटेड नहीं है, ध्यान रखना उस समय भारत जो है वो एक एकीकृत इकाई नहीं है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, यहां पर कहने का मतलब है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों को यह नहीं पता कि बंगाल उन्हीं का पार्ट है, पंजाब के लोगों को यह नहीं पता कि ये मद्रास उन्हीं का पार्ट है, मद्रास के लोगों को यह नहीं पता कि अवध उन्हीं का हिस्सा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि नौरोजी ने जिस समय आर्थिक सिद्धांत अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत बताया और ये कहा कि भारतीय धन भारत से बाहर जा रहा है, उस समय भारत के प्रांतीय लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो ये समझ सके कि हम सब एक देश के पार्ट हैं। यहां तक कि रियासतें तो अपने आप को देश मानती थी, लेकिन नौरोजी ने अपने आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से इन सब लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया कि हम सब लोगों का अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने शोषण की बात को बताकर
और वो शोषण की बात उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से बताई और आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से बताकर ये बताया कि किस प्रकार अंग्रेज उन सभी का समान रूप से शोषण कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने उनमें जो जागृति पैदा की राष्ट्रवाद की वो किस सिद्धांत के माध्यम से पेश की, तो आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से। और ये आर्थिक सिद्धांत उस समय पेश किया जब भारत यूनाइटेड नहीं था, अर्थात जब एकीकृत भारत नहीं था, उस समय उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इस सिद्धांत को यहां पर रिप्रेजेंट किया। तो आपसे पूछे कि आर्थिक अर्थशास्त्र के जनक कैसे हैं, कि पहले सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय उन्होंने निकाली, 20 रुपए बताई और सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उन्होंने जिस समय धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था उस समय भारत एकीकृत इकाई नहीं था। और यहां पर हमें यह श्रेय दादाभाई नौरोजी को देना चाहिए कि जब एकीकृत भारत नहीं था तभी उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया और इस सिद्धांत के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ा और जोड़ना निस्वार्थ भाव से जोड़ा, और जोड़ने से पैदा होता है राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद किस सिद्धांत से आया, तो राष्ट्रवाद आया आर्थिक सिद्धांत से। इसलिए क्या पैदा हुआ, तो उत्तर होगा आर्थिक राष्ट्रवाद। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज आप लोग केवल यस करके कमेंट कीजिए, यस 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 करके कमेंट करना, मुझे यस करके बताइए कितने लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोग यस करके बताओगे तब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। यस प्रति व्यक्ति आय, एकीकृत भारत, लोगों में एकता, यस वेरी गुड सोनम, वेरी गुड, एकीकृत भारत वेरी नाइस, वेरी नाइस, इंटीग्रेटेड भारत, कोविड 19 वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, यस यस। सिर्फ मुझे यस करके बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है। यस यस रेशमा, यस यस वेरी नाइस, सत्यम वेरी गुड, दीपशिका यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सब लोगों को समझ में आया, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है। तो क्या मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस का और आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा जब मैं आपको पूरा एक प्री का और मेंस का आपके सामने सेट रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग यहां पर ध्यान रखना। अब उसके बाद में कुछ और चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं देखूंगा कि आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन सी बच्ची ऐसी है जो मेरे इस टॉपिक के प्रति समर्पित है, और मेरे इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है मैंने बताया नहीं है। और मेरा क्वेश्चन मेरा है कि दादाभाई नौरोजी ने पारसी धर्म में सुधार करने के लिए, क्वेश्चन है पारसी धर्म में सुधार करने के लिए कुछ लोगों के साथ मिलकर किस सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी। कौन बताता है मैं देखना चाहूंगा, उसका नाम मैं बोलूंगा, इन्होंने किस संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दादाभाई नौरोजी ने पारसी धर्म में सुधार के लिए, रिफॉर्म्स इन पर्शियन कम्युनिटी, पारसी धर्म में सुधार के लिए उन्होंने किस संस्था की स्थापना की, कौन सबसे पहले बताता है। देखिए दादाभाई नौरोजी ने पारसी धर्म में, वेरी नाइस शिवशंकर गुप्ता, वेरी गुड शिवशंकर, आपकी तैयारी वाकई बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है, और उसका नाम है रहनुमाई माजदाइन सभा, बहुत बढ़िया, रहनुमाई माजदाइन सभा, बहुत अच्छा जवाब दिया है, रहनुमाई माजदाइन सभा जो है उसकी स्थापना जो है वो बेसिकली दादाभाई नौरोजी ने की थी, मुझे बहुत खुशी है। मयंक वर्मा वेरी गुड, निधि आस्ताना वेरी नाइस, माजदाइन सभा, मधुताक रहनुमाई वेरी गुड, रेशमा रहनुमाई माजदाइन वेरी गुड, सत्यम त्रिपाठी रहनुमाई माजदाइन सभा, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। अब एक क्वेश्चन में आपसे और पूछूंगा, और मैं देखता हूं कि उसमें कितने लोग जवाब देते हैं। मेरे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार है ना, मैं बोलूंगा और जो सबसे पहले जवाब देगा उसको मैं फिर कहूंगा यस, उसका नाम सबसे पहले लूंगा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो जवाब देगा उसका नाम सबसे पहले लूंगा। और मैं ये देखना चाह रहा हूं
कि इसका जवाब कौन सबसे पहले देता है। सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है, ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, कौन आप में से बताता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। मैंने संकेत कर दिया है कि 1892 में पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे फिंसबरी से। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ब्रिटिश संसद के लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, द लोअर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कौन सबसे पहले जवाब देता है कि ब्रिटिश के लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, वो लोअर हाउस के लिए, लोअर हाउस के लिए सबसे पहले चुने गए थे, तो यहां पर लोअर हाउस के लिए सबसे पहले चुने गए थे, तो यहां पर ये भी आप लोग जवाब दें कि लोअर हाउस जो है वो बेसिकली लोअर हाउस के लिए चुने गए थे, तो यहां पर ये जवाब दें कि लोअर हाउस को किस नाम से जानते हैं। प्लीज आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग यहां पर जवाब देंगे, लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग यहां पे जवाब देंगे। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो इसका जवाब देते हैं कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले ये बात कही, कि सबसे पहले किसने ये बात कही। हाउस ऑफ कॉमन्स, वेरी गुड शिवशंकर, वेरी गुड आशीष कांत, वेरी गुड रामजी पांडे, वेरी गुड, वेरी गुड गौतम कुमार, वेरी गुड हाउस ऑफ कॉमन्स रेशमा, वेरी नाइस अभिमन्यु सिंह, वेरी गुड COVID-19, वेरी नाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार जैन साहब, हाउस ऑफ कॉमन्स वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा, आप बहुत क्विक रेस्पॉन्स कर रहे हो, उसकी मुझे बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी खुशी है कि आप बहुत तेज गति से अपना रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था दादाभाई नौरोजी का, तो दादाभाई नौरोजी जो है वहां पर आप लोग ध्यान रखें कि दादाभाई नौरोजी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे। अब एक हल्का सा बहुत फास्ट जो है हम रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दादाभाई नौरोजी, सबसे पहले दादाभाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। सबसे पहले अगर हम यहां से स्टार्ट करें, भारतीय राष्ट्रीय जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये दादाभाई नौरोजी की है, ये उस जमाने में लंदन में थे ध्यान रखना, और ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दिखने में भले ही आपको लग रहे हो लेकिन बहुत पावरफुल व्यक्ति उस जमाने में थे। इनके साथ कई लोग रहे ध्यान रखना, मैडम बीकाजी कामा इनकी निजी सचिव रह चुकी है, जिन्ना जो लंदन में अगर अपनी पेट जमा पाया था, मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसमें भी दादाभाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान था। इसी के साथ साथ आप देखिए बहुत सारे और पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा मैं। तो इनका जन्म जो है मुंबई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। जब वो 4 साल के थे उनके पिताजी का निधन हो गया, इसलिए उनके पालन पोषण में उनकी माँ की सबसे बड़ी भूमिका रही, और उनकी माँ ने जो है वो दादाभाई को उच्च शिक्षा दिलाने में बड़ी भूमिका की। एल्फिंस्टन कॉलेज से उनकी शिक्षा हुई, महज 11 साल की उम्र में दादाभाई शादी गुलबाई से हो गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट होगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। कई बार एग्जाम क्वेश्चन, भारत के वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, भारत की आशा किसको कहा जाता है, तो भारत के वयोवृद्ध नेता और भारत की आशा जो है दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। इसी प्रकार भारतीय अर्थशास्त्र के जनक और आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी इनका होगा। स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस अध्यक्ष जो थे वो नौरोजी थे, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनको उदारवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। उदारवादी राष्ट्रवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी मांगे उदार थी और मांग को रखने का तरीका भी उदार था, और इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, इस कारण इन्हें उदारवादी कहते हैं। कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और यहां मैंने एक बिंदु बताया था, क्या मैंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो नाम रखा गया है कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये किसकी सलाह पर होगा, तो उत्तर होगा आपका दादाभाई नौरोजी का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें तो ये बिंदु भी ध्यान रखना, उनकी आरंभिक शिक्षा और कॉलेज कहां से हुई, तो एल्फिंस्टन कॉलेज से हुआ था। 1800 उन्होंने अपने जीवन में शुरुआत किससे की, तो एक टीचर की नौकरी के साथ की। बड़ौदा रियासत के दीवान बने, बॉम्बे नगर निगम के निर्वाचित हुए। लेकिन इन सब पॉइंट में, इन चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि 1892 में वो लिबरल पार्टी की ओर से चुने गए थे। अब मेरा एक क्वेश्चन और, शायद मैंने IR भी आप लोगों ने की होगी, मेरा क्वेश्चन यहां पर है, मुझे बताइए आप लोग
मेरा क्वेश्चन ये है और शानदार क्वेश्चन है, कितने लोग देखते हैं जवाब देते हैं कि जिस समय वो लिबरल पार्टी की तरफ से चुने गए थे। दोस्तों मुझे आज बताइए कि आज की तारीख में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार है, आज की तारीख में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार है, कौन आप में से बताता है, क्योंकि अभी लेटेस्ट दिसंबर में ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार है, तो यहां पर ये देखना चाहूंगा किस पार्टी की सरकार है, कौन कमेंट करके सबसे पहले जवाब देता है कि ब्रिटेन में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है, प्लीज आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि आपने आईआर भी मेरे से पढ़ा होगा, आईआर का पार्ट भी पढ़ा होगा, ब्रिटेन में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है, तो ब्रिटेन में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है, कौन बताएगा आप में से ब्रिटेन में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है, कौन जवाब देगा, तो ये बिंदु आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम आगे चलें, तो वेरी गुड कंजर्वेटिव पार्टी, वेरी नाइस शिवशंकर, बहुत बढ़िया शानदार, कोविड 19 वेरी गुड कंजर्वेटिव पार्टी, गौतम कुमार कंजर्वेटिव पार्टी, वेरी नाइस आशीष काम कंजर्वेटिव पार्टी, वेरी गुड वेरी गुड, जानी नीरव जानी, यस एनसीईआरटी भी कराएंगे, रामजी पांडे कंजर्वेटिव पार्टी, बोरिस जॉनसन एक कदम आगे, रामजी पांडे हमेशा एक कदम आगे रहता है और उसने कंजर्वेटिव पार्टी और पीएम का नाम दोनों बताया, शानदार वेरी गुड सोनल पाल कंजर्वेटिव पार्टी, वेरी नाइस। अब उसके आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में योगदान क्या था, तो सामाजिक में आप जो उनका योगदान बताओगे वो ध्यान रखना, पहला योगदान जो मैंने अभी बताया था कौन सा, रहनुमाई माजदाइन सभा, रहनुमाई माजदाइन सभा जो उन्होंने पारसी धर्म में सुधार के एस्टेब्लिश की थी, वो रहनुमाई माजदाइन सभा जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उनका राजनीतिक योगदान होगा, साथ ही साथ कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, ये पॉइंट भी वहां पर आएगा, तो ये बिंदु भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना। उसके बाद 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज की घोषणा की और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप दोस्तों आगे की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहना, कल भी एग्जैक्टली 9 AM जो है वो आपकी क्लास होगी, 9 बजे और कल 9 AM हमारी क्लास होगी। तो आज इतना ही, और आप लोग ध्यान रखें मेरी जो क्लास हो रही है वो 11 AM से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास हो रही है, वो इंडियन पॉलिटी क्लास आप जरूर ध्यान रखना, उसमें आप मेरा प्रोमो यूज कर सकते हैं Daulat10 के नाम से और 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ध्यान रहे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज है और वो फैकल्टीज जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाने का प्रयास करेगी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों, और इसकी पीडीएफ में भी आपको डाल दूंगा इसके अंदर, तो उसको आपको वो सेव मिल जाएगी।